हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। पूरी दुनिया जहां इंटरनेशनल योगा डे मना रही है, दुनिया भर में ऐसी ऐसी जगहों पे योग किया जा रहा है और इवन भारत में भी कोई घोड़ों के साथ योग कर रहा है, कोई कुत्तों के साथ योग कर रहा है, कोई पहाड़ पे योग कर रहा है, कोई INS विराट पे योग कर रहा है, पानी के अंदर योगा किया जा रहा है। दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, भारत में ही भी आ रही हैं। ऐसे में हम सबको इंतजार था कि राहुल गांधी का रुख क्या रहता है, क्या वो कोई फ़ोटो शेयर करते हैं, क्या वो ट्वीट शेयर करते हैं, कम से कम योगा डे की बधाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ राहुल गांधी चुप रहते तो शायद कोई सवाल ना उठाता, लेकिन उन्होंने बवाल कर दिया, वाकई में बवाल कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट दिखाता हूँ आपको, कैसे उन्होंने आर्मी पे सीधे सीधे निशाना साधा है। मोदी के बहाने वो करना चाहते थे, उन्होंने लिखा, सिंपल वे में लिखा, न्यू इंडिया। और आप देख रहे हैं आर्मी डॉग यूनिट है जो ये जो योगा कर रहे हैं, कुत्तों को ट्रेंड किया है आर्मी के यूनिट ने और वो योगा कर रही है। ये दो फोटो शेयर किए हैं और इसका सीधा सीधा मैसेज जाता है कि न्यू इंडिया, कहीं से भी वो योगा दिवस की बधाई नहीं दे रहे और एक तरह से मोदी पे निशाना साध रहे हैं कि आज योगा में क्या हो गया। वो क्या कहना चाहते हैं आप सीधे समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी पे फिर चूक हो गई है, चाहे वो ट्विटर खुद चला रहे हों या उनके लोग चला रहे हों, कि ये आर्मी की डॉग यूनिट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की डॉग यूनिट नहीं है जिस पे वो सवाल उठा रहे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि अब इसमें तमाम सारे सोशल मीडिया के निशाने पर आए हैं, नेहरू जी के पुराने फ़ोटो निकाले जा रहे हैं, योगा तुम मत करो, आपकी औकात अनुमति नहीं देती। और आप देखिए, जली ना तेरी जली ना, ये सारे जो सोशल मीडिया पे लगातार, ये देखिए, ये नेहरू जी हैं, उनके साथ लड़कियां बैठी हैं, स्विमिंग पूल का एक दृश्य है जहाँ पर नेहरू जी ने शीर्षासन किया था, इसमें फ़ोटो वो कह रहे हैं ओल्ड इंडिया ऐसी थी और वो न्यू इंडिया है। और इतना ही नहीं, आप देखते जाइए, लोग लिख रहे हैं गजब बेशर्मी है यार, मतलब सुधरोगे नहीं, 2024 में हारने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। इतने सारे लोग राहुल गांधी को मजाक कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है जहां सारे कुत्ते खाना खाने के लिए लाइन से लगे हैं, वो तमाम। और वो नीचे लिख रहा है कि सर मुझे तो इन सभी में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और ये अश्वत्थामा कोई लिख रहे हैं, कम से कम इन बेजुबान जानवरों को तो ज़्यादा गलत तुमने पप्पू, शर्म आनी चाहिए कि भारतीय योग का मजाक बना रहे हो। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है, खाली आर्मी का मजाक नहीं बना रहे, वो भारत की सबसे प्राचीनतम पद्धति योग का मजाक बना रहे हैं जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। नीचे लिखता है कांग्रेस से ज़्यादा तो कुत्ते वफादार हैं देश के लिए, बड़ी बात है। और अब इसके बाद वो निशाने पे आ गए पॉलिटिकल भी, परेश रावल मोदी के काफ़ी करीबी और सांसद रह चुके हैं, वो लिख रहे हैं यस इट्स ए न्यू इंडिया राहुल जी, वेयर इवन डॉग्स आर स्मार्टर देन यू, कुत्ते आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं राहुल गांधी, परेश रावल लिख रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, संबित पात्रा बीजेपी के सबसे चर्चित स्पोक्स पर्सन, चुनाव जरूर हार गए लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं है, वो राहुल गांधी की ट्वीट को यहाँ शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं न्यू इंडिया इंडीड, वाकई में न्यू इंडिया है, बट सेम शेम राहुल डिसरिस्पेक्ट्स इंडिया, इंडिया ट्रेडिशन, इंडिया आर्मी। संबित पात्रा यहाँ खेल गए, साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया ट्रेडिशन यानी योगा पे आप सवाल उठा रहे हो, इंडिया की आर्मी पे सवाल उठा रहे हो, एवरी डॉग इज़ नॉट जस्ट ए PD, अगर आपको याद होगा ये वही PD है राहुल गांधी का, वो कुत्ता जिसे वो जिसके चलते हेमंत विश्वकर्मा उन्होंने मजाक बनाया था कि राहुल गांधी अपने कुत्ते को PD को खाना खिलाते रहे, बिस्किट खिलाते रहे और मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। हेमंत विश्वकर्मा ने पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट BJP के कब्जे में डाल दिया, वो उसके बारे में लिख रहे हैं कि एवरी डॉग इज़ नॉट जस्ट ए PD वो ट्वीट्स ओनली फॉर द गांधी फैमिली, शायद दीज आर जस्ट नॉट डॉग्स सर, दे आर दोज हु फाइट फॉर आवर इंडिया, सैल्यूट दैम। ये PD की बात बार बार इसलिए उन्होंने लिखी क्योंकि एक बार राहुल गांधी ने मजाक में लिखा था कि मेरे सारे ट्वीट जो है PD करता है। तो अब क्या राहुल गांधी इतनी सारी आलोचना के बाद अपने बचाव में आकर भी यही कहेंगे कि मेरा ये ट्वीट भी जिसमें योगा और आर्मी दोनों पर निशाना साधा गया है, भले ही उन्होंने गलती से मोदी पे निशाना साधा होगा लेकिन उन्हें अंदाज नहीं होगा कि योगा पे उस पर जाएगा, क्या उनका अब वो सफाई देंगे कि ये उनका ट्वीट भी PD नहीं किया है? कौन है वो PD, कब बाहर आएगी वो रिपोर्ट? जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी, जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से सफाई आएगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपने देखा ही होगा कि जब वो मोबाइल चला रहे थे राष्ट्रपति के भाषण के दौरान, तब कांग्रेस की तरफ से सफाई आई थी कि राष्ट्रपति के भाषण में हिंदी के काफ़ी कठिन शब्द थे जिनका ट्रांसलेशन राहुल गांधी मोबाइल पे ढूंढ रहे थे। लेकिन अब वो क्या कर रहे थे, आर्मी और योगा का मजाक उड़ाते वक्त ये ट्वीट किसने किया, कांग्रेस की क्या दिलचस्प सफाई आती है, हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।